अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए टच करें इस बेल आइकॉन को। हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश साहू और आज आपको मैं चेंज करके बताऊंगा अपनी कार की वाइपर ब्लेड। तो हमारा पहला स्टेप है, ये पुराने वाइपर को इस तरीके से हमें ऊपर करना है। फिर यहाँ पे एक छोटा सा पुश बटन है जो कि मैं आपको शो कर रहा हूँ। देख सकते हैं कि छोटी सी कहाँ गई, ये इसे हम ऊपर प्रेस करेंगे अगर, तो यहाँ से ये लॉक ओपन होता है इसका। इस प्रेस बटन को इस तरीके से पुश करेंगे और वाइपर ब्लेड को इस तरीके से पकड़ के प्रेस करेंगे नीचे की ओर। तो ये देखा आपने, आ गया ये नीचे, ये ऊपर करने से लॉक, नीचे करने से लॉक ओपन, और इस तरीके से ये लॉक ओपन हो गया है और ये फोल्ड हमने किया तो ये आ गया बाहर। ये तो आपने समझ ही गया होगा, ये हमारा सेकंड ब्लेड है जो कि इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये कोई काम का नहीं, यूज नहीं। तो इसे भी ठीक उसी तरीके से यहाँ पर हम एक लॉक है उसे प्रेस करेंगे और इस तरीके से वाइपर पकड़ के नीचे प्रेस, फिर ये फोल्ड इस तरीके से, और ये हो गया फोल्ड। और उसके बाद हम थोड़ा सा इसे यूं खींचेंगे इस साइड और ये बाहर। तो आप सभी को समझ में आ ही गया होगा, बटन यहाँ पे लॉक होता है और एक छोटा सा बटन जो है ये है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये आपको इस तरीके से पुश करना है, उस पर लॉक लगा जब रहेगा तो। बाकी फिर नेक्स्ट न्यू वाइपर लेके आता हूँ और अभी लगाता हूँ। तो ये हमारा वाइपर ब्लेड न्यू क्लियर प्लस हेल्पर साइड ये यूज़ होता है क्योंकि इसकी साइज छोटी होती है 19 mm, है ना। तो ये हमारा हेल्पर साइड यूज़ होगा। तो ये हमने न्यू परचेस किया है, अलग अलग कंपनियों को आपको मिल सकता है। ये इस तरीके से अंदर यहाँ पे ये हो गया अंदर, उसके बाद जस्ट हम इसको टर्न करेंगे इस तरीके से, ये टर्न हो गया, फिर ऊपर की ओर हम इसे प्रेस कर देंगे, ढकेल देंगे जो, और ये हो गया लॉक इस तरीके से, काफ़ी इजी ये हो गया। फिर आप जाएंगे गैरेज, कुछ चार्जेस लगेंगे जो आप घर में फ्री कर सकते। ये है नेक्स्ट वाटर जो इधर ड्राइवर साइड लगेगा और इसकी साइज जो है समथिंग 21 रहती है, ये देखिए 21, वो था 90 और ये आ गया 21। इसका भी हमने सील अभी ओपन किया है, अनबॉक्सिंग भी हो रही है और चेंज भी करके आपको बताया जा रहा है। तो ये उस ब्लेड से हमारी बड़ी ब्लेड है, तो इसे भी हम ठीक उसी तरीके से, ये जो गैप दिख रही है ये गैप आएगी इसके अंदर इस तरीके से, ये आ गया अंदर, उसके बाद हम इसे यहाँ पे इस तरीके से यूँ फोल्ड करेंगे, फिर ये आपका हो गया इस तरीके से बाहर। तो आपको ज़्यादा ताकत यूज़ नहीं करना, ये देखिए फिर लग गया, और ये इस तरीके से हम इसे ऊपर की ओर लॉक कर देंगे। तो ये हो गया यहाँ पे लॉक, तो इस तरीके से हो गया हमारा चेंज, दोनों के दोनों वाइपर ब्लेड न्यू लग चुके हैं। आप भी ट्राई करिए, काफ़ी ईजी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक शेयर करना ना भूलें।